खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। एसएससी की परीक्षाओं में नकल बढ़ी है। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में समिति बनी थी, सबसे सुरक्षित विश्वसनीय परीक्षा मानी जाने वाली है एसएससी की परीक्षा। कई दिनों से एसएससी दफ्तर इलाहाबाद में डेरा डाले हुई थी सीबीआई की टीम। जांच के दौरान सीबीआई के हाथ कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। सहायक निजी सचिव 2010 में धांधली से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे। तत्काल शासन ने संपर्क कर सीबीआई ने एपीएस 2010 चयनियों के लिए नियुक्ति पत्र रुकवाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पुनीत, एसएससी की परीक्षाओं में नकल बढ़ी है, संसदीय समिति ने पेश रिपोर्ट की है, क्या कुछ इसमें बात सामने निकल कर आई? जी लकी, आपको बताना चाहूंगी कि एसएससी की परीक्षा जो बहुत विश्वसनीय मानी जाती थी, कहा जाता था कि इसमें नकल नहीं हो सकती है, उसमें भी धांधली की बात सामने आई है। सांसद भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक टीम बनी थी और उस टीम ने जांच करी है। जांच करने के बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब पेश करी है तो सीबीआई ने एसएससी के इलाहाबाद दफ्तर पर छापा मारा है। कई दिनों से सीबीआई वहां डेरा डाले हुई थी। बृहस्पतिवार को सीबीआई को 2010 में जो निजी सचिव की परीक्षा हुई थी उससे संबंधित धांधली के कुछ सबूत हाथ लगे। स्कैनर था एक, उसके स्कैनर के माध्यम से कंप्यूटरों को स्कैन किया गया तो उसमें साफ चीज निकल के सामने आई कि ये पेपर कहीं ना कहीं लीक कर दिए गए थे। तत्काल में शासन को यहाँ फोन किया गया है। फोन करने के बाद में जो नियुक्ति पत्र जिनको दिए जाने से 2010 में जो पास हुए थे वो तत्काल प्रभाव से रोक दिए गए। अभी जाँच चल रही है और भी नकल निकल के सामने आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जी लक्ष्मी, बिल्कुल। तो जांच के दौरान सीबीआई को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए।